मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है मेड्यूलोसा। मेड्यूलोसा जो कि साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स के अंतर्गत रखा गया है। टेरिडोस्पर्मेल्स को सीड फर्न्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फर्न की तरीके की लीव्स होती थी और इनमें सीड्स भी पाए जाते थे। ये अपर डिवोनियन पीरियड में एग्जिस्टेंस में आए और मीजोजोइक एरा में अपनी क्लाइमेक्स पर थे। साइकेडोफिलिकेल्स की फैमिली मेड्यूलोसेसी में मेड्यूलोसा को रखा गया है। स्टेवर्ड ने 1983 में बताया कि ये ग्रुप लोअर कार्बनिफेरस पीरियड से परमियन पीरियड तक रहा। कोल बॉल्स में इसके पेट्रीफाइड फॉसिल्स पाए जाते हैं। स्टेवर्ड एंड डेलीवोरियस ने 1956 में मेड्यूलोसा नोआई को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। इसके छोटे छोटे पार्ट्स उन्हें जहां पर भी मिले उनको जोड़ करके मेड्यूलोसा नोई का रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने किया। ये 3.5 टू 4.5 मीटर लंबा प्लांट था और जो कि ट्री फर्न की तरीके से दिखाई देता था। इसका स्टेम लीव बेसिस से कवर्ड था। दूसरे स्टेम जेनरा इनके हैं। मेड्यूलोसा के अलावा जो दूसरे स्टेम जेनरा हैं वो सटक्लिफिया, कैल्पोजाइलोन और क्विस्टोरा। मेड्यूलोसा एंग्लिका 7 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर का था और इस पर लीफ स्पाइरली अरेंज्ड होती थी। लीफ बेसेस उस पर दिखाई दी। सटक्लिफिया की डायमीटर 12 सेंटीमीटर था। यहाँ आप देख रहे हैं मेड्यूलोसा नोई जिसमें स्टेम मेड्यूलोसा कहलाता है और इसकी जो लीफ है लिथोप्टेरिस पिट्योल माइलोजाइलोन कहलाता है। स्टेम के लोअर पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती थी। लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड और स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं जो कि क्राउन बनाती हैं। इनकी जो फ्रंट्स हैं वो बड़े साइज की और ब्रांच्ड होती हैं। फ्रंट्स के दो फॉर्म जेनरा हैं एलिथोप्टेरिस एंड न्यूरोप्टेरिस। एलिथोप्टेरिस के जो पिन्यूल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, उनकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी, लंबे ज्यादा होते हैं ये। और इनके जो एपेक्स हैं वो एक्यूट होते हैं, बेस डीकरेंट यानी जहां स्टेम से ये अटैच्ड होते हैं वहां पर थोड़े आगे की तरफ बढ़े हुए होते हैं। मार्जिन इनकी रिवोल्यूट होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और इसके अलावा इसमें प्रोमिनेंट मिडरिब होती है। एलिथोप्टेरिस से एसोसिएटेड जो पेट्योल है उसको माइलोजाइलोन कहा गया। पिट्योल का जो फॉर्म जीनस है माइलोजाइलोन है। न्यूरोप्टेरिस के जो पिन्यूल है वो रेकिस से अटैच्ड होते बाय एक शॉर्ट स्टॉक, एक छोटी स्टॉक भी पाई जाती है उनमें, और इनमें बेस होते हैं वो राउंडेड हार्ट शेप्ड होते हैं। पिन्यूल में एक सिंगल वेस्कुलर बंडल डिवाइड होकर के कई सारी वेन्स बनाते हैं। जो लीफ की फॉर्म जनरल है एलिथोप्टेरिस सिलिवेंटाई, उसमें स्टोमेटा हैप्लोकीलिक होते हैं। हैप्लोकीलिक का क्या मतलब है, यानी इनके जो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स हैं वो डिफरेंट इनिशियल से डेवलप होते हैं। इसके बाद है एनाटॉमी ऑफ मेड्यूलोसा नोई। सबसे पहले हम रूट की एनाटॉमी अगर देखेंगे तो मेड्यूलोसा एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इस मेड्यूलोसा एंग्लिका में रूट्स ट्रायार्क होती है यानी थ्री ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम, और मेड्यूलोसा नोई में टेट्रार्क होती है यानी फोर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। रूट में मेडुलरी रेज चौड़ी होती हैं और वो वेज शेप्ड सेगमेंट्स बनाती हैं हर एक प्रोटोजाइलम स्टैंड के सामने। स्टेम का सेक्शन काटने पर स्टेम में एक से अधिक वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसके साथ साथ ही जो पैरेन्काइमा टिश्यू है प्राइमरी बंडल में या रेज हैं जो सेकेंडरी बंडल की या कॉर्टेक्स हैं वो सब उनका साइज इंक्रीज होता है सेल के डिविजन्स के द्वारा। बेसिंगर और कोवर्कर्स ने 1974 में बताया कि ये जो स्टेम इसका है वो मोनोस्टीलिक होता है यानी एक ही स्टील होती है और ये प्रोटो स्टील के टूट जाने से अलग अलग जो स्टील्स कई सारी दिखाई देती हैं। यानी जो इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल है वो एक स्टील नहीं है, वो एक वेस्कुलर सेगमेंट है और ये सब सेगमेंट जो है यू स्टील बनाते हैं। मेड्यूलोसा नोई में 5 to 6 सिंपोडिया, 2 से लेकर 3 वेस्कुलर सेगमेंट्स पाए जा सकते हैं। इसी तरीके से मेड्यूलोसा प्राइमीवा में 4 to 5 वेस्कुलर सेगमेंट्स और 13 सिंपोडिया पाए जाते हैं। 5 to 6 सिंपोडिया का मतलब है कि एक्सियल बंडल्स होते हैं
और इसमें 5 to 6 प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रायंगुलर होता है, इसमें 3 या उससे अधिक वैस्कुलर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं और इसके अलावा चौड़ी मेडुलरी रेज होती हैं। मेडुलोसा नोई और मेडुलोसा एंगल का में 2 या 3 वैस्कुलर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। हर एक जो है एक मिक्स प्रोटोस्टील है जो कि मेनोजाइलिक सेकेंडरी जाइलम से सराउंडेड होता है। इसके साथ ही ग्राउंड टिश्यू होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस होते हैं और इनमें सिक्रीटरी सेल्स भी पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स आउटर और इनर जोन में डिवाइडेड होता है, इनके बीच में पेरिडर्म पाई जाती है। आउटर कॉर्टेक्स में कई लीफ ट्रेस स्ट्रैंड्स, स्क्लेरेन्काइमेटस स्ट्रैंड्स और एसेसरी स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। लीफ ट्रेसेस कॉन्सेंट्रिक होती हैं जिनमें एक या अधिक प्रोटोजाइलम पॉइंट्स होते हैं। ये प्रोटोजाइलम सेकेंडरी जाइलम से घिरे हुए होते हैं। जब ये कॉर्टेक्स से गुजरती हैं उस समय ये 2 में डिवाइड हो जाती हैं और इनका जो सेकेंडरी जाइलम है वो खत्म हो जाता है। दूसरी स्पीशीज में लीफ ट्रेसेस में सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट होता है या कहीं कहीं सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। लीफ ट्रेसेस, जैसा कि आपको मालूम ही है, लीफ में जाने वाले जो वैस्कुलर बंडल हैं लीफ ट्रेस कहलाते हैं। ये स्प्लिट होकर के कई छोटे छोटे कोलेट्रल बंडल्स बनाते हैं। पेटियोल में वैस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं या ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं। शुरू में इनके पेटियोल को मोनोकोट स्टेम माना गया, उनसे कंफ्यूज हो गए क्योंकि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल थे। इनके जो वैस्कुलर स्टैंड्स थे वो 2 to 20 या और भी अधिक थे। 2 या 3 वैस्कुलर सेगमेंट्स एक्सपेंड होकर के और प्रोलिफरेट होकर के उनमें से कई सारे वैस्कुलर सेगमेंट्स बनते हैं। मेडुलोसा स्टीलेटा में वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीट रिंग की फॉर्म में होते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू को सराउंड करते हैं और इनके अंदर कई प्रोटोस्टीलिक वैस्कुलर सेगमेंट एम्बेडेड होते हैं, दसे हुए होते हैं, जिनका अपना सेकेंडरी जाइलम होता है। डेलिवोरियस ने 1955 में सजेस्ट किया कि कंप्लीट जो वैस्कुलर सिलेंडर है मेडुलोसा स्टीलेटा का, ये लार्ज पेरिफेरल वैस्कुलर सेगमेंट के टेंजेंशियल फ्यूजन के कारण बने हैं। सटक्लिफिया में एक सेंटर वैस्कुलर सेगमेंट होता है, कई बार इसमें 2 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। कई सब्सिडरी सेगमेंट्स भी होते हैं जो कि इससे अराइज होते हैं और सेंट्रल सेगमेंट्स को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। सेंट्रल स्टील से लीफ ट्रेसेस अराइज होती हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक होती हैं विद ए कंप्लीट सिलेंडर ऑफ सेकेंडरी वुड। सेंट्रल स्टील में मोनोजाइलिक सेकेंडरी जाइलम होता है। मोनोजाइलिक यानी अधिक अमाउंट होगा पेरेन्काइमा टिश्यू का। पिथ वेल डेवलप्ड होती है, कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है। प्राइमरी जाइलम एक्सार्क मैसिव होता है जो कि इससे घिरा हुआ होता है। प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, ट्रैकीट्स और पेरेन्काइमा होते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हेट्रिंजियम जो लिजनोप्टेरिडेसी का था स्टेम उससे मिलता जुलता होता है। इसी कारण से सटक्लिफिया को इंटरमीडिएट पोजीशन दी गई है मेडुलोसेसी और लिजनोप्टेरिडेसी के बीच में। नेक्स्ट है लीफ। लीफ में जो पेटियोल है उसको माइलोजाइलोन कहते हैं, जो इसका फॉर्म जीनस है माइलोजाइलोन है। ये राउंड या ओवल होता है और इसकी डायमीटर कुछ मिलीमीटर तक ही होती है और बेस की तरफ कुछ सेंटीमीटर होती है। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं हम पेटियोल का, तो इसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर ग्राउंड टिश्यू और स्कैटर्ड वैस्कुलर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा रेडियली इलोंगेटेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के स्ट्रैंड्स होंगे और साथ में गम कैनाल्स होती हैं। जो पेटियोल का फॉर्म जीनस है माइलोजाइलोन लेनिटम जो कि मेडुलोसा नोई का पेटियोल है, इसमें इरेग्युलर स्क्लेरेन्काइमेटस स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं और इसके बाद इनर रिंग होती है गम कैनाल्स की। हर एक वैस्कुलर बंडल में कॉम्पैक्ट जाइलम होता है जिसमें स्क्लेरिफॉर्म या स्पाइरल थिकेंड ट्रैकीट्स होती हैं, फ्लोएम और पेरेन्काइमा और बंडल शीथ स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। यहां आप देख रहे हैं लीफ के इंप्रेशंस, पिनेटली कंपाउंड लीफ है।
पेट्रीफाइड फॉर्म में भी पाए गए हैं ये कोल बॉल्स में। फीमेल फ्रक्टिफिकेशन, सीड और स्टेम फॉर्म्स के बीच में कोई कनेक्शन इसमें नहीं पाया गया, लेकिन कुछ एविडेंसेस के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। फ्रंट्स में बाइफर्केटेड ब्रेकिस होता है और पेटियोल लार्ज साइज का और कई ट्रेसेस होते हैं इसमें। मेड्यूलोसा का जो सीड्स हैं उसको फॉर्म जीनस दिया गया है ट्राइगोनोकार्पस। ब्रोंगिनिया ने 1828 में ट्राइगोनोकार्पस पायरकिंसोनाए का डिस्क्रिप्शन किया था, जिसका नाम अब पैकीटेस्टा ओलिविफॉर्मिस रखा गया है। पैकीटेस्टा पेट्रीफाइड स्पेसिमेंस हैं। सीड का साइज वेरी करता है, जैसे पैकीटेस्टा इनक्रेसेटा में 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और डायमीटर 6 सेंटीमीटर, जबकि पैकीटेस्टा बेरिविलेंसिस में ये 6.8 मिलीमीटर लंबे और 5.2 मिलीमीटर डायमीटर के थे। पैकीटेस्टा ओलिविफॉर्मिस में ये 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई और 2 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसमें अपर पोर्शन फ्लैटेंड होता है और लोअर पोर्शन सिलेंड्रिकल होता है। सीड कोट 3 लेयर्ड होता है, आउटर फ्लैशी सार्कोटेस्टा, मिडिल स्टोनी स्क्लेरोटेस्टा और इनर थिन एंडोटेस्टा। ये सब न्यूसेलस को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। सार्कोटेस्टा मैसिव पार्ट है और इसके अपर हाफ में 2 विंग्स बनते हैं, जबकि स्क्लेरोटेस्टा 3 मेजर और 6 माइनर रिजेस शो करता है। ओव्यूल इसका नॉन क्यूप्यूलेट होता है और इंटेगुमेंट न्यूसेलस से अलग होता है, फ्री होता है केवल बेस को छोड़ करके। पैकीटेस्टा ओलिविफॉर्मिस ये स्टेम मेड्यूलोसा एंजेलिका को बिलोंग करता है, इसके ऊपर पाया गया ये। इसके अलावा एलिथोप्टेरिस जो फ्रंट्स थे उनके ऊपर पैकीटेस्टा इलिनोएंसिस जो कि मेड्यूलोसा नुआई स्टेम पर देखा गया। रामानुजन और कोवर्कर्स ने 1974 में इसको देखा था। पैकीटेस्टा की सभी स्पीशीज में वेस्कुलर सिस्टम पॉलन चैम्बर से नीचे न्यूसेलस तक ही पाया जाता है। पॉलन चैम्बर बेल शेप्ड होता है। पैकीटेस्टा हेक्सेंगुलेटा में वेल डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट दिखाई दिया, जिसमें 3 ओवल आर्किगोनिया पॉलन चैम्बर के नीचे की तरफ दिखाई दिए। पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि 365 माइक्रोन और कई बार मल्टीसेलर मेल प्रोथेलस भी रिकॉर्ड किया गया। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एलिथोप्टेरिस जो लीफ है उस पर पैकीटेस्टा टाइप ओव्यूल दिखाई दे रहा है, रिजेस दिखाई दे रहे हैं इस पर ओवल स्ट्रक्चर। मेल फ्रक्टिफिकेशन पॉलन बियरिंग ऑर्गन्स रेयरली स्टेम के साथ अटैच दिखाई दिए। मेड्यूलोसा के पॉलन ऑर्गन्स यानी माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज्ड होकर आपस में जुड़े हुए होते हैं। एडजेसेंट जो माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में जुड़ करके सिनेंजियम बनाते हैं। ये इंप्रेशन की फॉर्म में पाए गए पॉलन बियरिंग ऑर्गन्स हैं। उनके फॉर्म जेनरा हैं वाइटलेसिया, गोल्डन बर्जिया, डोलेरोथीका, कोडोनोथीका, ओलेकोथीका, पैरास्पोरोथीका, बोलाया फर्टाइलिस, जिसमें वाइटलेसिया यूएसए ओहियो से डिस्क्राइब किया गया था। कई स्पोरेंजिया साइड बाई साइड जुड़ करके हॉलो कैविटी बनाते हैं सेंटर में, यानी कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन कंप्रेशन के कारण ये एक लीफ जैसा लगता है जिसमें कई पैरेलल वेनेशन हो। हर एक स्पोरेंजिया एक वेन की तरीके से अपियरेंस देता है। तो गोल्डन बर्जिया है ये 8 मिलीमीटर लंबा और 12 टू 16 इलोंगेटेड स्टॉक्ड स्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो कि फ्यूज होकर के सिनेंजियम बनाते हैं। कोडोनोथीका रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जिसमें 6 फिंगर लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं बेस पर। वाइटिलेसिया में सिनेंजियम नाजुक और चौड़े सॉसर की तरीके से दिखाई देते हैं, पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं होते। ये ऐसा लगता है जैसे एक कप है, उसकी रिम डीप कट्स हैं और इस तरीके से ऐसे चारों तरफ एक फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एक झालर हो इस तरह से। ओलेकोथीका एलोंगेटेड होता है, सिलेंडर है, नाजुक है, ओवल शेप का और एपेक्स पर टेपरिंग होता है। इसमें 6 to 9 स्पोरेंजिया आपस में फ्यूज होकर के एक हॉलो सिनेंजियम बनाते हैं और जिसकी ओपनिंग बहुत छोटी ओपनिंग होती है।
यहाँ आप देख रहे हैं वाइटलिजिया मीडिया, जिसमें सिनेंजियम दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूरोप्टेरिस जो लीफ है उससे अटैच्ड है। दूसरा है डोलेरोथीका, जिसमें कई सारे ट्यूबुलर स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। डोलेरोथीका मेड्यूलोसेसी का लार्जेस्ट पॉलन ऑर्गन है। इसमें चार इंडिपेंडेंट रेडियल सिनेंजिया होते हैं जो कि फ्यूज होकर के कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। हर एक रेडियल सिनेंजिया एक सिंगल वाइटलिजिया टाइप का स्ट्रक्चर है। ये हेमिस्फेरिकल और 4 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है विद ईसेंट्रिक पेडिसल। ये डोलेरोथीका फॉर्मोसा में ऐसा पाया जाता है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में एक वेस्कुलर ट्रेस होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली डहिस होते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट माइक्रोस्पोरेंजिया है उनकी डहिसिंग सर्फेसेस एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। डफेक एंड स्ट्रिट 1981 एंड स्ट्रिट 1981, इन्होंने बताया कि डोलेरोथीका कैंपेन्यूलम एक फर्टाइल डाइकोटोमसली ब्रांच यूनिट से इवॉल्व हुआ है। हर एक में एक पिन्नेटली अरेंज सॉसर शेप्ड स्पोरेंजिया होती हैं। एडजेसेंट ब्रांचेस की स्पोरेंजिया आपस में जोड़ करके पेयर में रो बनाती हैं। इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग और एडिशनल फ्यूजन उनको और अधिक कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसके बाद जीनस है फॉर्म जीनस पैरास्पोरोथीका। इनमें एक वेंट्रली कर्व लेमिना लाइक सिनेंजिया का ग्रुप होता है। हर एक सिनेंजियम में एक यूनिसीरिएट रो होती है स्पोरेंजिया की। पैरास्पोरोथीका में लार्ज बाइसेकेट प्री माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिनको पैरास्पोराइट्स कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन इलिप्टिकल होते हैं, 0.2 to 0.25 मिलीमीटर लंबाई होती है इनकी और फ्लैटेंड होते हैं। प्रोलेट जिनके प्रॉक्सिमल साइट पर एक सूचर होता है। इनके डिस्टल साइट पर 2 मीडियन ग्रूव्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं एक रेस्ड एरिया द्वारा, एक उभार द्वारा, जिसको कि अंबो कहते हैं। इनके पॉलन ग्रेन्स मोनोलीथ होते हैं। इनमें ऑर्बिक्यूल्स पाए जाते हैं और सरफेस पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। पैरास्पोराइट्स रिड्यूस सेकाई शो करते हैं जो कि दोनों एंड से एक्सटेंड करती है। स्पोरोडर्म में इनर लैमिनेट नेक्साइन होती है और आउटर एल्वियोलेट सेक्साइन होती है, यानी स्पोरोडर्म की जो लेयर है आउटर एक्साइन सेक्साइन और नेक्साइन में डिफ्रेंशिएटेड है। पॉलन ग्रेन की सरफेस पर रिज्ड ऑर्नामेंटेशन होता है क्योंकि सेक्साइन में कॉन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं। थैंक यू।